हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एच डी ओर हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास ट्वेल्थ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स और अभी हम पढ़ेंगे रिविजन फ्रॉम डी के गोयल टेक्स्ट बुक और आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स और पास्ट एडजस्टमेंट्स सो लेट सी सम क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक सो लेटस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ टू इज टू टू इज टू वन देयर फिक्सड कैपिटल्स वेर रुपीज़ फोर लैख रुपीज़ टू लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड रुपीज़ वन लैख रेस्पेक्टिवली नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवनटीन अमाउंटेड टू रुपीज टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग नाओ ए बी और सी तीन पार्टनरस हैं और उनके कैपिटल दिए हुए हैं जो कि फ़िक्स्ड है और फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफ़िट जो है वो टू लाख ट्वेंटी थाउजेंड है और इस टू लाख ट्वेंटी थाउजेंड को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और ये पॉइंट्स को नेगलेक्ट कर दिया गया है ये जो पॉइंट्स हैं वो है सैलरी टू बी रुपीज़ फ़ाइव थाउजेंड पर मंथ एंड टू सी रुपीज़ टेन थाउजेंड पर क्वार्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंटेज पर एनम एंड कमीशन टू मैनेजर्स एट द रेट ऑफ टेन परसेंटेज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन सो लेट एस सी द कैलकुलेशन फॉर इट एंड द जर्नल एंट्री फॉर इट्स करेक्शन हालांकि यहाँ पर जर्नल एंट्री दिया हुआ है लेकिन ये अमाउंट कैसे आए ये आपको क्वेश्चन में बेहतर तरीके से समझना है सबसे पहले तो हम मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे सो मैनेजर्स कमीशन क्योंकि यहां लिखा हुआ है मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन यहां जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो है रुपीज टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड और ये जो टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड है इसमें नेट प्रॉफिट है प्लस मैनेजर का कमीशन है मैनेजर का कमीशन जो है वो टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट है मतलब यहाँ जो प्रॉफिट हमें टू तु लैख ट्वेंटी थाउजेंड दिया हुआ है ये नेट प्रॉफिट है इसमें और इसी नेट प्रॉफिट का टेन परसेंटेज मैनेजर का कमीशन है मतलब ये नेट नेट प्रॉफिट जो है वो हंड्रेड परसेंट है सो ये कितना हो गया हंड्रेड एंड टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड जो है वो हंड्रेड एंड टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट है इससे हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज टू ट्वेंटी थाउजेंड और इसे हम ट्रांसपोज करेंगे हंड्रेड मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में और हंड्रेड एंड टेन डिवाइड होगा तो इससे हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा रुपीज टू लैख अब हमारा मैनेजर का कमीशन क्लियर हो गया मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू टू लैख का टेन परसेंटेज ये हो गया रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड सो यहाँ क्लियर हो गया कि जितना भी नेट प्रॉफिट रहेगा उसका टेन परसेंटेज मैनेजर का कमीशन है और ये दोनों मिला के ही रुपीज टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड है अब हम बनाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स को रेक्टिफाई करने के लिए कैलकुलेशन टेबल सो ये एडजस्टमेंट टेबल हमने बनाया है पर्टिकुलर्स पार्टनर ए पार्टनर बी पार्टनर सी और मैनेजर का कमीशन भी हम भूल गए हैं देना इसलिए मैनेजर का कमीशन का भी एक कॉलम बन गया है और टोटल सबसे पहले हम करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या होना चाहिए था फर्स्ट पॉइंट सैलरी होना चाहिए है ना सैलरी जो है वो ए को नहीं मिल रही है लेकिन बी को फाइव थाउजेंड रुपीज पर मंथ मिल रही है सो फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व आएगा रुपीज सिक्सटी थाउजेंड और सी को मिल रहा है रुपीज टेन थाउजेंड पर क्वार्टर सो टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई फोर हो गया रुपीज फोर्टी थाउजेंड सो वन लाख रुपीज का ये करेक्शन करना है और सेकंड जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो सिक्स परसेंटेज पर एन है ए का कैपिटल है रुपीज फोर लैख फोर लैख का सिक्स परसेंटेज होता है रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड फिर बी का कैपिटल है रुपीज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड यह हो गया रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड और सी का कैपिटल है रुपीज वन लाख उसका सिक्स परसेंट आएगा रुपीज सिक्स थाउजेंड मतलब इनका ग्रैंड टोटल हम करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीस फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड का सही करना है और थर्ड जो है वो कमीशन है जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया मैनेजर को कमीशन देना है रुपीस ट्वेंटी थाउजेंड का सो जो नेट प्रॉफिट है उसमें गड़बड़ी इन्हीं की है सो टोटल गड़बड़ी जो है वो कितने की है वन सिक्सटी फाइव थाउजेंड की है जो कि इस तरीके से मिलना चाहिए था पार्टनर्स को मतलब ए को ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज़ मिलना चाहिए था बी को सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ मिलना चाहिए था सी को फोर्टी सिक्स थाउजेंड मिलना था और मैनेजर को उसका कमीशन मिलना चाहिए था ट्वेंटी थाउजेंड लेकिन हमने इस अमाउंट को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया है सो so हम इसको कंपेयर करेंगे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर करने के लिए हम इसे सब करेंगे मतलब इस अमाउंट से रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को हम सब करेंगे वन लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड का क्या हाल किया हमने इसे हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सो so, रेशियो जो है वो टू इस टू टू इस टू वन है इससे हम डिवाइड करेंगे तो मतलब ये हो गया फाइव वन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड बाई फाइव करेंगे तो आएगा थर्टी थ्री थाउजेंड सो सी को मिलना चाहिए सी को दे दिए हैं गलती से थर्टी थ्री थाउजेंड और ए और बी को सिक्सटी सिक्स थाउजेंड दे दिए हैं अब जब हम इसे कंपेयर करते हैं क्योंकि यहाँ तो मैनेजर को तो प्रॉफिट मिलेगा नहीं तो पूरा वन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड का हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है सो so, ए को रिसीव होना चाहिए था ट्वेंटी फोर थाउजेंड और हम उसे दे बैठे हैं सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सो वाट विल वी डू वी विल सबट्रैक एंड इसे वापस लेंगे सो so, यहाँ आ गया माइनस फोर्टी टू ये माइनस अमाउंट आया है इसका मतलब है कि इसे डेबिट करना है मतलब पार्टनर ए से फोर्टी टू थाउजेंड वसूलना है और बी का आ रहा है रुपीज नाइन थाउजेंड और ये पॉजिटिव आ रहा है इसलिए यह क्रेडिट और सी का आ रहा है रुपीज़ थर्टीन थाउजेंड तो इसे भी क्रेडिट करना है और मैनेजर का कमीशन हमें देना है ट्वेंटी थाउजेंड ये भी पॉजिटिव आ रहा है इसलिए इसे भी क्रेडिट करना है सो so, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से होंगे ये पता चल गया और मैनेजर का कमीशन जो है वो हमें क्रेडिट करना है क्योंकि ए से ही उसे लेकर के मैनेजर को देना है सो लेट अस पास द एडजस्टमेंट एंट्री सो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्सड है सो so, जो भी एडजस्टमेंट हमें करना है वो पार्टनर के करेंट अकाउंट के थ्रू करना पड़ेगा सो ए के करेंट अकाउंट को हम डेबिट करके रिड्यूस कर देंगे सो एज करेंट अकाउंट डेबिटेड फोर्टी टू थाउजेंड हमने ए से वापस ले लिया और टू बीज करेंट अकाउंट बी को दे दिया नाइन थाउजेंड रुपीज़ जो कि हमने कैलकुलेशन टेबल में बनाया है और सी को सी के करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया रुपीज़ थर्टीन थाउजेंड और मैनेजर का कमीशन रूपीज ट्वेंटी थाउजेंड सो डेबिट कॉलम का अमाउंट और क्रेडिट कॉलम का अमाउंट अब बराबर है बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन नाउ सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव ये क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें गारंटी भी इंक्लूडेड है ना केवल हम हमको इसमें पास्ट एडजस्टमेंट का ध्यान देना है परंतु इसमें गारंटी भी गारंटी का भी एक क्लॉज यहाँ पर इंक्लूडेड है सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्सटीन रुपीज़ वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इन द रेशियो ऑफ टू इज टू टू इज टू वन मतलब पार्टनर्स ने साल का प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स और इन बातों का ध्यान नहीं रखा वो क्या है फर्स्ट पॉइंट ए एंड बी वर एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड पर क्वार्टर पॉइंट बी सी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ रुपीज एटीन थाउजेंड एंड पॉइंट थ्री ए एंड सी हैड गारंटीड अम प्रोफिट ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड पर एन एम टू बी एंड पॉइंट फोर प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ थ्री इज टू थ्री इज टू टू यहाँ देखिए उन्होंने ये जो प्रॉफिट है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इसे टू इस टू टू इस टू वन में डिस्ट्रीब्यूट किया है जबकि इसे करना चाहिए था थ्री इस टू थ्री इस टू टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउ एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म सो लेट अस सी दोल्यूशन फॉर दिस सो सोल्यूशन फिफ्टी फाइव उसका एडजस्टमेंट टेबल हम बनाएंगे सो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पहले कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल में पार्टनर्स को क्या मिलना चाहिए था जो हम भूल गए हैं देना जो फर्म भूल गई है देना फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से है सैलरी ए और बी दोनों को फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज पर क्वार्टर है ना फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ पर क्वार्टर कितने क्वार्टर्स हैं फोर क्वार्टर्स हैं सो सिक्स so, थाउजेंड रुपीज ए को मिलना चाहिए और बी को मिलना चाहिए सी को कुछ नहीं ट्वेल्व so, थाउजेंड रुपीज प्रॉफिट का ऐसा एलोकेट होना चाहिए था सेकेंड पॉइंट है कमीशन का कमीशन जो है वो ए और बी को नहीं मिल रहा है सिर्फ सी को मिल रहा है एटीन थाउजेंड का ये हो गया एटीन थाउजेंड इस तरीके से और थर्ड पॉइंट जो है वो प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो बटना चाहिए था इनका रेशियो था थ्री इज टू थ्री इज टू टू इस रेशियो में बटना चाहिए लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि बी को भी चेक करना है कि बी को डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फिफ्टी थाउजेंड मिल रहा है कि नहीं तो अब हम जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करके कि वो उतना मिल रहा है कि नहीं देखिए प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है रुपीज़ वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड में से हम तो पहले ही ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज़ सैलरी का दे चुके हैं और एटीन थाउजेंड रुपीज़ कमीशन का दे चुके हैं तो अब बच कितना गया हम इसमें से लेस करेंगे तो रुपीज़ वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड है इसी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड को चेक करके हमें देखना है कि बी को फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ रिसीव हो रहा है कि नहीं अगर नहीं हो रहा है तो उसको कंपनसेट करेंगे ए और सी तो हम चेक करते हैं यहाँ वन फिफ्टी सॉरी वन ट्वेंटी थाउजेंड को वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड को ए बी और सी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशियो में थ्री इज टू थ्री इज टू टू में सो so ये अमाउंट आ जाता है हम डिवाइड करेंगे तो आ गया ए को फोर्टी टू थाउजेंड ए को फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ मिल रहा है बी को भी फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ मिल रहा है और सी को मिल रहा है रुपीज़ थर्टी थाउजेंड ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लेकिन क्राइटेरिया के हिसाब से बी को कितना मिलना चाहिए फ़ाइव थाउजेंड रुपीज़ मिलना चाहिए सो हम क्या करेंगे बी को फाइव थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड मिलना चाहिए तो हम बी को फाइव थाउजेंड रुपीज़ और दे देंगे और ये हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड लेकिन ये फाइव थाउजेंड आएगा कहाँ से फ़ाइव थाउजेंड ए और सी कंट्रीब्यूट करेंगे और कौन से रेशियो में करेंगे इनका रेशियो क्या है थ्री और टू है सो थ्री इस टू टू में ये फाइव थाउजेंड को कंट्रीब्यूट करेंगे सो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फाइव थाउजेंड को थ्री इंजू टू में तो ए में से थ्री थाउजेंड लेस कर देंगे और बी में से टू थाउजेंड लेस कर देंगे इस तरीके से ए का आ जाएगा फोर्टी टू थाउजेंड रुपीज़ और सी का आ जाएगा ट्वेंटी एट थाउजेंड रुपीज़ सो हम इस प्रॉफिट को यहाँ लिख देते हैं फोर्टी टू थाउजेंड रुपीज़ ए का फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ बी का ये गारंटी बी को पूरी हो गई ट्वेंटी एट थाउजेंड रुपीज़ सी का इस तरीके से वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ का भी हिसाब हमने दे दिया सो so, यहाँ जो ग्रैंड टोटल आ रहा है वो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड जो प्रॉफिट है उसका पूरा हमने सही सही हिसाब दे दिया इसके हिसाब से ए को मिलना चाहिए था फोर्टी एट थाउजेंड बी को मिलना चाहिए था फिफ्टी सिक्स थाउजेंड और सी को मिलना चाहिए था रुपीज़ फोर्टी सिक्स थाउजेंड ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था लेकिन हमने इसको गलती से क्या किया है रोंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सो रुपीज़ वन लाख फिफ्टी थाउजेंड को हम रेशो में काटेंगे और वो रेशो भी हमारा गलत है रेशो जो है वो टू इस टू टू इस टू वन में हमने गलती से दे दिया है मतलब कितना दे चुके हम सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ ए का अगेन सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ बी का और थर्टी थाउजेंड रुपीज़ सी का इस तरीके से हमने पूरा वन फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है मतलब ए को मिलना चाहिए था फोर्टी एट थाउजेंड और दे बैठे हम सिक्सटी थाउजेंड सो इसका मतलब यह है कि ए से वापस ले लेंगे हम ट्वेल्व थाउजेंड और बी को मिलना चाहिए था फिफ्टी सिक्स थाउजेंड दे लिए दे दिए हैं सिक्सटी थाउजेंड सो उससे फोर थाउजेंड वापस लेना है और सी को मिलना चाहिए था ज़्यादा जबकि फोर्टी सिक्स थाउजेंड और दिया गया है उसे थर्टी थाउजेंड मतलब सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज़ पॉजिटिव में आ रहा है सो so यहाँ आप समझिए जिनसे वापस लेना है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट और जिनको देना है उनका उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट सो इस तरीके से हमें इसे समझना है जब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पहले लिखा है और फिर उसको हम रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन से सब ट्रैक किए हैं तो अगर आंसर निगेटिव में आ रहा है मतलब डेबिट करना है उसके कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट को और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट को या करेंट अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो इस, इसलिए हम यहाँ करंट अकाउंट नहीं लिखेंगे जर्नल एंट्री में हम कैपिटल अकाउंट के माध्यम से ही इसका रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे सो एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे यहाँ देखिए ए और बी के कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है सो एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बीस कैपिटल अकाउंट भी डेबिटेड अमाउंट है रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड ए का रुपीज़ फोर थाउजेंड बी का टू सीस कैपिटल अकाउंट रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा ही देखा होगा और सारे एक्सप्लेनेशन को जरूर गौर से सुना होगा तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी ये कभी कभी सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन भी इस तरीके का आता है अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन ये क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है तो इसे भी हम अच्छे से समझते हैं आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज ऑफ इट इज़ डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयरस एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्सटी एंड टू थाउजेंड सेवेंटीन इंटरेस्ट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स अपॉन देयर कैपिटल्स एट द रेट ऑफ फाइव परसेंटेज पर एनम एम ऑल्सो नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इज़ मेड इन दार्टनरशिप एग्रीमेंट अब यहाँ यहाँ जो है ये समस्या अलग है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना था और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ देखिए द अमाउंट इन्वॉल्व आर ईयर एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड लिखा हुआ है ए बी सी तीन पार्टनर है टू थाउजेंड सिक्सटी में हमने फोर्टी टू हंड्रेड रुपीज़ ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज़ और थर्टीन ट्वेंटी रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी को रेस्पेक्टिवली दिया है उसी तरीके से 2017 में भी 4320, 2520 एंड 1320 हंड्रेड दे दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू पुट थ्रू एडजस्टिंग एंट्री एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2017 इफ़ द प्रॉफिट्स वर शेयर्ड एज फॉलोज इन 2016 थाउजेंड सिक्सटीन टू इज टू टू इज टू वन एंड इन टू थाउजेंड सेवेंटीन थ्री इज टू फोर इज टू थ्री सो हमें यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैंसिल करना है और 2016 का जो प्रॉफिट है उसे हमें टूटू टू वन में डिस्ट्रीब्यूट करना है और 2017 का जो प्रॉफिट है जो कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड हो गया है उसको हमें थ्री टू फोर इज थ्री में देना है सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस सो फिफ्टी 59 हमें कंपेयर करना है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पार्टनर्स को कितना मिलना चाहिए और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कितना मिलना कितना मिल चुका है अब इस क्वेश्चन में रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है तो पहले हम रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम यहाँ लिख लेते हैं यह है टू का टू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमने गलती से दे दिया है पार्टनर्स को और ये है फोर्टी टू हंड्रेड रुपीज ए का ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज़ बी को दे दिया है और थर्टीन ट्वेंटी रुपीज सी को दे दिया है इसका ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी उसी तरीके से टू थाउजेंड सेवेंटीन का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है फोर्टी थ्री ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी और थर्टीन ट्वेंटी इस तरीके से इसका ग्रैंड टोटल इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा एट थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी है ना तो इतना ये हमने रॉन्गली दे दिया है मतलब कितना कितना इनको मिल गया ये हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं कितना कितना मिला ए को गलती से मिल गया है एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी और बी को मिला है फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी और सी को मिल गया है रुपीज़ टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी और इन दोनों का ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा रुपीज़ सिक्सटीन थाउजेंड एट्टी ये है रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट अब इसी को हमें करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है फिर इसे कंपेयर करेंगे सो तो हम से कंपेयर कर लेते हैं टू थाउजेंड सिक्सटीन में हमें प्रॉफिट देना है और इसका रेशियो है टू इज टू टू इज टू वन और प्रॉफिट जो है वो क्या है सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी को हमें टू इज टू इस टू वन में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहां आएगा ए का थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी एट बी का आएगा थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी एट और सी का आएगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एट्टी फोर इन तीनों का ग्रैंड टोटल रहेगा सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी उसी तरीके से नेक्स्ट टू थाउजेंड का टू थाउजेंड का प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्री इज टू फोर इस टू थ्री में और प्रॉफिट जो है वो कितना है 8,160 है इसे हम इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 2,448 और बी का आएगा 3,264 और सी का आएगा सेम रहेगा ए के जैसे 2,448 मतलब इसका ग्रैंड टोटल भी रहेगा 8,160। इसका हम ग्रैंड अब हम देख लेते हैं कि ए बी और सी को कितना मिलना चाहिए था करेक्टली ए को मिलना चाहिए था रुपीज़ फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटीन बी को मिलना चाहिए था सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी टू और सी को मिलना चाहिए था रुपीज़ फ़ोर थाउजेंड थर्टी टू इस तरीके से जो टोटल एरर था वो सिक्सटीन थाउजेंड एट्टी रुपीज़ का था सो so, यह हो गया हमारे पास करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पार्टनर्स को कितना मिलना चाहिए था और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था इसे हम ए लिख लेते हैं और इसे हम बी लिख लेते हैं अब हम इसे कंपेयर करेंगे सो ए माइनस बी ए माइनस बी कर रहे हैं सो फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटीन माइनस एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी करेंगे तो आएगा आंसर माइनस ट्वेंटी नाइन ज़ीरो फोर और उसी तरीके से बी का सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी टू माइनस फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी करेंगे तो आएगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व ये पॉजिटिव आएगा और सी का फोर थाउजेंड थर्टी टू माइनस टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी आएगा वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी टू सो जो अमाउंट माइनस में आया है उसे हमें डेबिट करना है कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और जो प्लस में आया है उसे हमें क्रेडिट करना है दिस माइनस दिस कुछ नहीं आएगा नील है ना? तो इस तरीके से ये टेबल जो है वो तैयार है बस हमें इसका ये जर्नल एंट्री पास करना है हमें इसका जर्नल एंट्री करना है डेट है वन फोर टू थाउजेंड सेवेंटीन और जर्नल एंट्री है एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड करंट अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट यहां अमाउंट है ए का कितना टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फोर वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व बी का और सी का थर्टीन हंड्रेड एंड नाइन्टी टू बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझा होगा एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग